आपकी इनकम आपके स्किल्स पे डिपेंड करती है क्योंकि कामयाबी कई स्किल्स और क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन होती है इसीलिए आप किसी भी एज की हो किसी भी फील्ड से हो अकाउंटिंग इंजीनियरिंग कंसल्टिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये दस इस वीडियो में मैं ऐसे दस स्किल्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको वर्ल्ड क्लास बना देंगे 25 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस हज़ारों स्टूडेंट्स की कामयाबी का रास ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा समझे मैक्सिमम लोगों का फोकस सिर्फ डिग्रीज करने पर कोर्सेस करने पर है लेकिन सच तो ये है अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तरक्की करना है तो ये स्किल्स और क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जितना जल्दी आप ये स्किल्स और क्वालिटीज़ को डेवलप करोगे ना उतना जल्दी आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी आप लोगों के दिमाग में ये विचार तो आता होगा ये सोचते तो होंगे आप आ, सेम डिग्री सेम कॉलेज सेम ट्रेनिंग के बाद भी कुछ लोग कामयाबी की मिसाल बने और आप एक बेसिक जॉब के लिए भी परेशान हो आखिर उनमें और आप में क्या फ़र्क है उनमें आखिर ऐसे क्या स्किल्स है जिसकी वजह से ये लोग इतने कामयाब है आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिज़ायर और क्लियर गोल एक चीज़ जो सफल लोगों को असफल लोगों से अलग बनाती है वो है कुछ करने की कुछ बनने की चाहत और ज़िंदगी का मकसद यानी अगर आप जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं कुछ हासिल करना चाहते हैं तो क्लियर गोल बनाओ क्या स्किल्स रहने से इस गोल को अचीव करोगे उन स्किल्स को सीखो डेवलप करो मेहनत करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो समझे गोल कैसे सेट करना कैसे अचीव करना इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ आप यूट्यूब या फेसबुक पर जाके देखिए आपको बहुत बेनिफिट होगा रिलेटेड वर्क स्किल्स समझे जैसा कि आपकी इनकम आपके स्किल्स पे डिपेंड करती है उसी तरह अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे आपकी इनकम बढ़ेगी इसीलिए जो भी काम करो ना शानदार करो क्योंकि दुनिया को एवरेज नहीं एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है जो भी आपकी फ़ील्ड है उसमें ऐसे काम करो कि तुम जैसा दूसरा ना हो अगर आपके आपके पास अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स है अगर आप स्पेशलाइज और एक्सपर्ट होना आप इंडिया या दुनिया में कहीं भी जाओगे जॉब मिलने में ग्रो करने में दिक्कत नहीं होगी अपनी फील्ड से रिलेटेड वर्क स्किल्स का होना असल में आपके कामयाबी की चाबी है क्योंकि जितनी अच्छी आप में स्किल्स होगी ना उतना आसानी से अच्छी जॉब हाई सैलरी फास्ट ग्रो करोगे आप कंटिन्यूस improvements, एफर्ट्स एंड hard work. आपने ये लाइन तो सुनी होगी तो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजेंट वर्क हार्ड तो हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है वरना आपके टैलेंट और स्किल्स किसी काम के नहीं जब आप लोगों की उम्र बीस पच्चीस साल की हो जाती है ना जब आप लोग डिग्रीज कम्प्लीट कर लेते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है ज़िंदगी भर की पढ़ाई ख़त्म हो गई अब पढ़ना सीखना नहीं पड़ेगा लेकिन एक बात याद रखो जो भी आज आपके पास स्किल्स हैं ना वो हर पाँच दस साल में आउटडेटेड हो जाते जब तक अगर आप अपने आप को इम्प्रूव और अपडेट नहीं करोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे क्योंकि जो लोग बेहतर होना बंद हो जाते हैं ना वो बदतर होना शुरू हो जाते हैं तो ख़ुद को इम्प्रूव करो अपडेट बनो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हार्डवर्किंग नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस हो लेकिन आप सही तरीके से उसको कम्युनिकेट या एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप अपने स्किल्स और नॉलेज का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते समझे तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है इसमें शामिल है बातचीत करने का सही तरीक़ा बॉडी लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन जैसा कि फॉर्मल ई तक कैसे लिखे जाते हैं आपको पता होना चाहिए अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप दुनिया में कहीं भी जाकर जॉब करके ग्रो कर सकते हैं अडाप्टबिलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी तरह के चेंज को अडाप्ट करने की आप में एबिलिटी होना चाहिए जैसा कि कंपनी चेंज हो गई जॉब चेंज हो गया कंट्री चेंज हो गई वर्क कल्चर चेंज हो जाता उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप में ख़ुद को बदलने की अडाप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए अगर आज आप खुद को बदलोगे अडाप्ट और एडजस्ट करोगे कल दुनिया आपके लिए एडजस्ट करेगी अगर आप में अगर आज आप खुद को नहीं बदलोगे कल दुनिया आपको दूसरों से बदल देगी पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सिर्फ चेहरे पे स्माइल रखने का नाम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है यानी ये उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी से बुरी हालात में डिफिकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आशावादी सोच रखना ऑप्टिमिस्टिक सोच रखना और हर बुरी सिचुएशन को एक लेसन की तरह देखना और उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना का नाम आप पॉजिटिव एटीट्यूड है यानी जीत और हार आपके अंदर होती है अगर मान लो तो हार अगर ठान लो तो जीत खुश रहने के लिए काम मत करो खुश होकर काम करो इंथुजियाजम यानी उत्साह जब आप उत्साह से कोई भी काम करते हो ना उसे अपनी क्षमता से अधिक करते हो उसी लिए उसमें सफल बनते हो विदाउट विथज़ियाजम आप कोई बड़ी सफलता अचीव नहीं कर सकते इंथुज़ियाजम सबसे पावरफुल चीज़ है आपके कामयाब होने के लिए इसीलिए कहावत भी मशहूर है यू शुड राइदर हायर अ मैन विध इंथज़ियाजम देन अ मैन हु नोज एवरी यानी अगर आपके पास जोश जज्बा एनर्जी एक्टिव हो तो हर कोई आपके साथ काम करना पसंद करेगा टाइम मैनेजमेंट कम टाइम में अगर बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं आप तो टाइम को मैनेज करना सीख लो समझे जो चीज़ पैसे से भी ज़्यादा कीमती है वो है आपका टाइम अगर आप टाइम को सही मैनेज और यूज़ करना सीख लोगे ना आप जिंदगी में बहुत कम टाइम में वो अचीव कर पाओगे जो लोग सारी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते फोकस और कमिटेड माइंड सेट जब भी आप कुछ करना चाहोगे कुछ भी बनना चाहोगे ना बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएंगे स्ट्रगल करना पड़ेगा जिसका गोल क्लियर रहता जो फोकस और कमिटेड रहते वो लाख मुसीबतों के बाद भी तरीक़े ढूंढ लेते रास्ते बना लेते और ज़िंदगी में कुछ बन जाते और जो सीरियस नहीं रहते अपने कैरियर को लेकर समझे या फिर मेहनत करना नहीं चाहते उनके पास सिर्फ बहाने और शिकायतें होती है समझे सिर्फ ज़िंदगी में आपको दो में से एक ऑप्शन चुनना है मेहनत या बहाने मर्जी आपकी है पर्सनल हाइजीन एंड ड्रेसिंग सेंस अच्छी ड्रेसिंग सेंस नीट और क्लीन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहला इम्प्रेशन यही होता है स्किल्स और टैलेंट बाद में दिखते हैं समझे आप लोग बहुत बेसिक सी गलतियां करते हो और फिर कहते हो सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जॉब नहीं मिला अगर आप ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग करोगे नीट और क्लीन रहोगे ना ये आपको कॉन्फिडेंस देगा पेशेंस अगर आपके पास ऐसे स्किल्स और क्वालिटीज़ है ना आज ने तो कल जल्दी या देर से आप कुछ नहीं बहुत कुछ बनोगे लेकिन उसके लिए आपको सबर चाहिए क्योंकि सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती ना किसी की नज़रों में ना किसी के कदमों में थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में इंडिया में जॉब करना इंटरनेशनल जॉब करना छः दिन की फ्री डेमो क्लास आप ये सभी वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब फेसबुक और वेबसाइट पर जाके थैंक यू